हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स से विद्युत धारा चुंबक के प्रभाव एक चैप्टर है, उनसे लगभग 50 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। हालांकि इनसे पहले हमने फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण चैप्टर, एक ह्यूमन आइज और दूसरा इलेक्ट्रिक करेंट, उनसे भी 50 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रखे हैं। तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले ज़रूर देखे जाके। यह वीडियो उसी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इसमें हम विद्युत धारा चुंबक के प्रभाव एक चैप्टर है, उनसे 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को हमें बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ अजीब टाइप का आवाज़ आते होंगे, तो प्लीज़ उन पर भी ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज़ विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है। घरों में जो विद्युत फ्यूज होता है ना, वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय। ऊष्मीय प्रभाव पे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। अगर वही पूछे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। आप जानते होंगे कि पी इक्वल टू होता है W/T, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और इसी की इक्वल टू होता है E/T, यानी कि एनर्जी बाय टाइम। तो ये दोनों सब इक्वल हुए होते हैं, P इक्वल टू W/T बोल दो या इक्वल टू E/T बोल दो। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। ओके, यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है, एनर्जी का ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। फिर आगे है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डायनमो जो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनमो बोल दो, चरित्र बोल दो, दोनों इक्वली, दोनों बात बराबर ही है। यानी कि यांत्रिक डायनमो का काम होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। यहाँ ये बात आती है कि विद्युत मोटर का परिवर्तित क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे साहब। तो माइकल फैराडे के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो माइकल फैराडे साहब जो थे, उनका जन्म 22 सितंबर 1791 में एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। इन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में से ही फैराडे जो थे किसी जल्साद के सहायक ग्रुप में कार्य करने लगे, परंतु इनमें पढ़ने की एक अद्भुत रुचि थी। तो वे उन सभी पुस्तकों को पढ़ लेते थे जो उनके पास जिल्द चढ़ाने के लिए आती थी। तो इसी तरह उनके अंदर विज्ञान के प्रति गहरी अभिरुचि पैदा हो गई। किसी दिन उन्हें एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। तो फैराडे ने उनके भाषण को सावधानीपूर्वक लिखकर उस पर जिल्द चढ़ाकर हम्फ्री डेवी को भेज दिया। डेवी ने फैराडे में छिपी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपने प्रयोगशाला में सहायक के रूप में बहाल कर लिया। तो आगे चलकर माइकल फैराडे ने 1825 में वे डेवी के स्थान पर रॉयल इंस्टीट्यूट के निदेशक के पद पर आसीन हुए। उन्होंने विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए और इन विषयों पर उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों के आधार पर अनेक वैज्ञानिक ने नई खोज की। तो ये सारी लाइन थी आपकी जो बुक में दिया हुआ है माइकल फैराडे के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इनसे पहले हमको बताए थे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और इसका जस्ट अपोजिट आप कर दीजिए डायनमो का। डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत मोटर का काम होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो आप लगाते हैं ना घर में, वह गर्म तार से कनेक्ट रहता है, यानी कि लाइव वायर से कनेक्ट रहता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि DC डायरेक्ट करंट जो मिलती है वह प्राप्त होती है। यहाँ हमने आपको बताया कि स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। देखिए, सप्लाई लाइन की व्यवस्था में तीन तरह के तार मुख्यतः यूज़ किया जाता है, जैसे कि विद्युतमय तार हो गया, उदासीन तार हो गया, और एक भू तार होता है जिसे अर्थ वायर के नाम से, अर्थ वायर बोलते हैं ना। विद्युतमय तार इंग्लिश में लाइव वायर बोलते हैं, और उदासीन तार जिसे नेचुरल वायर बोलते हैं। तो विद्युतमय तार जो होता है वह सामान्यतः रेड कलर का होता है, और उदासीन तार जो होता है वह
काले रंग का होता है, और भूतार अर्थवायर जो होता है यह हरे रंग का होता है। तो ये तीन तरह के तारे नॉर्मली यूज़ किया जाता है। जो यह हमने आपको रंगों के अनुसार बताया, हालांकि आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है, इस तरह हमने आपको ये बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। आगे है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, शायद इस क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया। आगे कि किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र। किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र। आगे क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, नॉर्मली है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है ना। जब शॉर्ट सर्किट होगा, बढ़ता है मतलब क्या, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला, ठीक, हमने बताया आपको। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किधर होती है, किसी छड़ चुंबक के अंदर पूछ रहा है, तो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होंगी वह उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है। और नॉर्मली वैसे अगर छड़ चुंबक की धाराएं मतलब क्षेत्र रेखाएं बताइए, तो वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से। आगे है बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर, इसका आंसर हो जाएगा कि बिजली घंटी जो होती है ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट में मूलभूत अंतर क्या होता है, तो इनमें अंतर होता है कि एसी जनित्र में शर्पी वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो कट लगा हुआ इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया द्विक परिवर्तक, ये हो गया द्विक परिवर्तक, ये था दिष्ट धारा जनित्र का पारू। डीसी वाला जो बोले, डीसी में बोले ना द्विक परिवर्तक होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए शर्पी वलय, ये हुआ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का पारू। तो मूल अंतर यही था दोनों में। आगे देखते हैं कि एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलस्टेड साहब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोज निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है टेस्ला। फिर आगे है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। आगे चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है विद्युत आवेश की गति, चुंबकत्व के अस्तित्व का मूल कारण है विद्युत आवेश की गति। फिर आगे है किसका अस्तित्व नहीं होता है, तो एकल चुंबक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है एम्पियर मीटर, विद्युत धारा का वैसे पूछे तो शायद एम्पियर होता है, लेकिन ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक पूछ ले तो एम्पियर मीटर होता है। द्विक परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है दिष्ट धारा, पीछे बताया ना कि डीसी धारा में जो होता है वह द्विक परिवर्तक जनित्र में ऐसा होता है। सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए लाल रंग का होना चाहिए, सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए लाल रंग का। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पर। ओके, विद्युत उपकरण की धातु आवरण चुरा जाता है भूतार से, विद्युत उपकरण का धातु आवरण चुरा जाता है भूतानिक अर्थवायर से। आगे है विद्युत जनित्र कार्य करता है, तो ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, विद्युत जनित्र कैसा कार्य करता है, किस तरह का कार्य करता है, तो ऊर्जा के परिवर्तक जैसा। आगे है किस साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग होता है, किस साधित्रों में
विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो इन सारे चीज़ों में विद्युत मोटर का यूज़ किया जाता है, जैसे विद्युत पंखा हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, लेस मशीन हो गया, इन सारी चीज़ों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। आगे मैक्सवेल का मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? यह करता है धारा की दिशा का। मैक्सवेल के जो दक्षिण हस्त नियम है उनमें अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो धारा की दिशा का संकेत करता है। फिर आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? इसका सर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जा सकती है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। फिर आ गया है, किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा किधर से किधर होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होती है। ओके, नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण है। तो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो गुण होता है यह होता है, यह एक सतत बंद वक्र है। क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्षेत्र की प्रबलता को बताता है। और फिर ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ये तीन चीज़ें आप चुंबकीय क्षेत्र के गुण जो होता है, रेखाओं के गुण, उनके बारे में इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। फिर आ गया है, विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना। तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये हो गया विद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना, परिघटना हो गया। आ गया है, किसी समरूप चुंबक के क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करती है? किसी समरूप चुंबक के क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल किस पर निर्भर करती है? तो पहला है क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा विद्युत धारा के मान पर, और तीसरा चालक की लंबाई पर। फिर आगे है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जा सकती है। अगर किसी लंबे विद्युत धारावाहिक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र के सही वर्णन है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। चलिए किताब से कुछ इन चीज़ों को देख लेते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसका रूल है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां, मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अंगूठा, देखिए अंगूठा जो होता है बल की दिशा को बताता है, तर्जनी क्षेत्र को और मध्यमा धारा को। ये देखिए धारा का एक वायर है, ऐसे रखा हुआ है। अब यहाँ ऊपर की तरफ धारा बह रही है, अगर इसमें धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो आपको पता है ना, ये मध्यमा धारा की बताता है। तो आप इनके तरफ धारा, ये उंगली मध्यमा जो ऊपर कर लीजिए, तर्जनी इधर आ जाएगा, अंगूठा नीचे आ जाएगा। तो यही रूल था फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का। आगे है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। तो इसका रूल है कि यदि दाहिने हाथ राइट हैंड के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। ताकि आप बता गया आपको, देखिए आप अंगूठा गति बताता, वहाँ पे बल बताता, बाकी ये दोनों का काम सेम ही है। ये तर्जनी क्षेत्र बता रहा है, मध्यमा धारा बता रहा है, यहाँ पे चेंज क्या है, गति। आप वहाँ बल कर लीजिए, यहाँ गति कर लीजिए, सब सेम है। ओके, तो ये था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। एक और है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा और संकेत करता हो तथा हाथ की अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। इसका नॉर्मल ही था आपको, जैसे कि ये हो गया, अगर इससे ऊपर की तरफ ऐसे आप इसको पकड़ लीजिए तो ऊपर की तरफ ये अंगूठा धारा बताता है और ये उंगली जो इधर घुमा हुआ ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो ये था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव टू ऑल, टेक केयर, पढ़ते रहिए। हम आपको हर वीडियो में बता देते हैं कि आप इन वीडियो को देखने से पहले एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा बुक से। अगर पढ़ के उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो
तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगी और आप सब चीज़ को रिलेट भी कर पाएंगे। तो थैंक यू।